विश्व हिंदू परिषद इंदौर विभाग का दीपावली मिलन हुआ। मधुर मिलन गार्डन इंदौर, जिसमें राष्ट्रीय पदाधिकारी राष्ट्रीय महामंत्री मिलिंद जी मीरानड़े के साथ प्रांतीय व विभाग जिला प्रखंड व खंड स्तर के सभी अधिकारी व कार्यकर्ता एवं माता बहनें भी बड़ी संख्या में उपस्थित रही, जिसमें राष्ट्रीय अधिकारी ने विशेष रूप से हिंदू समाज की वर्तमान हालत पर चर्चा कर कार्यकर्ता को संबोधित किया और परिषद के कार्यों की जानकारी दी गई और नए कार्यकर्ता को किस प्रकार काम करना है इस विषय पर बताया गया और दीपावली की बधाई व शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात पूर्ण की गई। हमारे संवाददाता विष्णु मोदी से बातचीत के दौरान बताया कि राम मंदिर के बाद अब कृष्ण जन्मभूमि की तैयारी है। एनडीवी टाइम न्यूज के लिए विष्णु मोदी की रिपोर्ट। विभाग में मधुर मिलन गार्डन में राष्ट्रीय पदाधिकारी श्रीमिरिन जी हमारे बीच में उपलब्ध हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि आज इनका इंदौर आगमन किस विषय में हुआ था। थोड़ा सा आप जानकारी देते हुए हमें बताइए, इंदौर आगमन का मुख्य कारण क्या था? विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से हिंदू संगठन का कार्य होता है जी। अभी विश्व हिंदू परिषद को 2024 में 60 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में पूर्ण कार्य का एक एक्सपांशन अगले 3 वर्ष में हो, तो आज यहाँ पर खंड सम्मेलन यह संपन्न हुआ है इस विभाग का, तो लगभग बहुत बड़ी मात्रा में खंड समितियां जो बनी है उसके कार्यकर्ता आए थे, तो हजारों नए युवक संगठन के साथ जुड़ रहे हैं। उनको संगठन की कल्पना देना, संगठन के विस्तार की, इसके लिए आज का कार्यक्रम तय। कार्यकर्ताओं के लिए कुछ विशेष? मुख्य रूप से विश्व हिंदू परिषद का कार्य यह धर्म रक्षा का है, समाज की सेवा का है, समाज का दुख कष्ट कम करने का है। तो इसलिए जो आक्रमण हो रहे हैं ईसाई मिशनरियों द्वारा, धर्मांतरण का विषय है, मुसलमान के एक वर्ग के द्वारा यह लव जेहाद का या गोहत्या का विषय चल रहा है, तो ऐसे आक्रमणों से हिंदू समाज की रक्षा, इसके लिए समाज की सिद्धता कैसे करेंगे, और समाज का जो गरीब तबका है, कमजोर तबका है, उसके उत्थान के लिए सेवा का कार्य। आपके द्वारा जो हिंदू धर्म के लिए कार्य किए जा रहे हैं, वास्तविक रूप से वर्तमान स्थिति को देखते हुए क्या हिंदू वास्तविक रूप से अंतर्मन से जागृत हो रहा है इस विषय में, क्या कहेंगे? जितना अच्छा परिवर्तन पूर्ण देश भर में दिख रहा है और जीवन के हर क्षेत्र में हिंदू विचार का प्रभुत्व बढ़ रहा है, इससे तो यही ध्यान में आ रहा है कि एक अंतर्मन से जागरण हो रहा है और उसका प्रभाव भी निर्माण हो रहा है। समाज को क्या कहना चाहेंगे? हर हिंदू ने अपने धर्म, संस्कृति, देश और समाज का कार्यकर्ता बनकर खड़ा होना चाहिए। अंतिम सवाल, राम मंदिर का तो निर्माण हो ही रहा है परिषद के माध्यम से और समस्त हिंदू धर्म के माध्यम से, अब कृष्ण जन्मभूमि के लिए क्या योजना है? हिंदू समाज का संकल्प है कि राम जन्मभूमि जैसे ही काशी मथुरा भी मुक्त करेंगे तो हिंदू समाज अपना संकल्प पूर्ण करेगा। विश्व हिंदू परिषद अभी प्रत्यक्ष रूप से राम जन्मभूमि का जो वचन दिया है उसको पूर्ण करने में लगी है। ये मंदिर का निर्माण करना है हमारी पहली प्राथमिकता है, जो कि दिसंबर 2023 तक भगवान गर्भगृह में बैठ जाएंगे, ये हमारा विश्वास है। और हिंदू समाज को दीपावली संदेश में क्या कहना चाहिए? वही मैंने कहा कि हर हिंदू ने जहां जहां कमी है